अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो हमें एक्सपीरियंस क्या बताता है? हमें एक्सपीरियंस ये बता रहा होता है कि एक्सपीरियंस है शो दैट द कंटिन्यूस वेरिएबल कैन नेवर बी मेजर्ड विद परफेक्ट फिटनेस। तो हमारे पास जो कंटिन्यूस वेरिएबल है उसे हम परफेक्ट फिटनेस के साथ मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ हैबिट्स, सर्टन हैबिट्स, प्रैक्टिसेस, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स यूज। तो हम फिर क्या करते हैं? फिर हम ये करते हैं कि हम मेजरमेंट जो हमारे पास होती है वो उसे ऑलवेज हम रिकॉर्ड कर ले होते हैं किसके करेक्ट टू द नियरेस्ट यूनिट। जो हमारे पास करेक्ट टू द नियरेस्ट यूनिट है उसके मुताबिक हम उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जो हमारे पास मेजरमेंट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है उसकी लिमिटेड एक्यूरेसी के मुताबिक। इसमें हमारे पास फिर हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि जो मर्जी है हमने जिस लिहाज से मर्जी उसे क्या कर लिया, उसे हमने मेजर कर लिया टू द नियरेस्ट यूनिट, लेकिन उसकी जो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू है वो हमारे पास अज्यूम कर रहे होते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है। अब देखें, अब जो मैंने सारा बोला आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। अगर मैं उसकी एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट है उसका जो वेट है वो हमारे पास क्या है, 60 kg है। अब देखें, अब स्टूडेंट का वेट क्या है, 60 kg। हमने ये करेक्ट टू द नियरेस्ट हमारे पास जो यूनिट है उसके मुताबिक हमने क्या कर लिया, हमने इसे मेजर कर लिया। तो इसमें हमारे पास क्या चीज है, जो भी हमारे पास अगर कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है जिसके जरिए हमने किया है, अब उसमें क्या है कि उसमें हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हमने पहले कहा है कि हम एक कंटिन्यूस वेरिएबल को बिल्कुल ही जो हमारे पास है कि नेवर भी उसे हमें परफेक्टली फिटनेस के साथ मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या कहेंगे कि हम उसका ये हम कहेंगे कि ये उसने जो क्या किया, एक मेजर वैल्यू निकाल ली, एक ऑब्जर्व उसने वैल्यू निकाल ली है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं ना कि हमारे पास एक बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है आएगी। तो हम क्या कहेंगे कि हम हमारे पास ये एक रेंज है कि इन दोनों के दरमियान में उसकी वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो फॉल कर रही होगी। अब अगर किसी बंदे ने क्या किया, उसने कोई अच्छी डिजिटल मशीन ले ली है तो उसने क्या किया, 60.00 kg उसने कर लिया। अब फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर मैं इसे कहूंगा तो ये अगर 59.995 या उसके अलावा 60.005, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या है, उसकी जो ट्रू या एक्चुअल वैल्यू है फॉल करिए। जैसे देखिए, अब यहाँ पर भी क्या है, हमने एक पहले या अगर था ना किसी बंदे का, उसने पहले वेट किया तो 60 है, तो अब देखें, अब जब एक अच्छी मशीन आई है तो उसे ज़्यादा एक्यूरेसी का पता चल गया। इस तरह ही हमारे पास क्या एक्यूरेसी चेंज होती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम एक कंटिन्यूस वेरिएबल को परफेक्टली फिटनेस के तौर पर तो हम क्या कर सकते हैं, मैं ये नहीं कर सकते, लेकिन करेक्ट टू द नियरेस्ट हमारे पास जो होती है यूनिट उसके मुताबिक हम उसे क्या कर लेते हैं, हम उसे मेजर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं उसकी वैल्यू। तो अब ये देखें, तो इसमें अब क्या है, इसमें अब डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस जितना मर्जी स्मॉल है लेकिन वो हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्या है, मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। तो इस तरह का जो हमारे पास डिपार्चर होता है फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट। यानी कि हमारे पास ट्रू वैल्यू से जो इस तरह का हमारे पास डिपार्चर आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। तो अगर मैं कहूँगा हमारे पास क्या, अगर मैं ऑब्जर्व वैल्यू को और उसके वाला ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और ट्रू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल उसे मैं डोनेट करवा दूँ किसके साथ, अब देखें ये हमारे पास डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया बिटवीन हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अगर अब मैं क्या कहूँ कि मेरे पास जो मेजर्ड वैल्यू है, जो मैंने अब मेरे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, और दूसरी जो मेरे पास क्या है, ट्रू वैल्यू, उसे मैं डोनेट किससे करवा रहा हूँ, आप देखें ये मेरे पास क्या है, ये मेरी ट्रू वैल्यू है और ये वाली मेरी क्या है, ऑब्जर्व है। इसे मैं ओ लिख देता हूँ साथ इसके, ऑब्जर्व, और ये मेरे पास क्या है, ट्रू, टी वाली। तो ये मेरे पास क्या है, देखिए, ऑब्जर्व और ट्रू। तो जब मैं इनका डिफरेंस लेता हूं ना, ये वाली वैल्यू जो मेरे पास है, तो जब मैंने इनका डिफरेंस लिया है, देखें तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये एरर बच के आ गया। तो इसे अब मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एब्सोल्यूट एरर है। और ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये हमारे पास इन्वॉल्व कर रहा होता है, इसमें हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्स होता है। अब इतना जो मैंने अभी आपको अभी बताया इसका आपको कैसे पता चलेगा, आप देखें, अगर एक एग्जांपल मैं लूँ, मैं कहूँ कि इस स्टूडेंट का वेट, उसका मेजर किया गया स्टूडेंट का वो है 60 kg। अब जो एक्चुअल था, जो रियल था, जो हम कहते हैं एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो भी हमें चले पता है, वो हम कहते हैं कि 60.5 kg है, हमें वैल्यू दे दी गई है। अब देखें, अब ये वाली वैल्यू, ये जो है मेरी वैल्यू, ये मेरे पास क्या होगी, ये हमारे पास एक्चुअल है, यानी कि इसमें जो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमने ऑब्जर्व की थी और प्लस इसमें जो एरर टर्म थी वो भी हमें पता है, वो उसमें ऐड हो चुकी है। तो ये हमारे पास क्या है, 60.5 kg, लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 60 है। अब जब मैंने इसे देखे फॉर्मूले में, मैंने फिटिंग करनी थी, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, ये फार्मूला था मेरे पास
अब जब मैंने देखे इसमें इसकी वैल्यू पुटिंग की, तो मेरे पास क्या 60 माइनस 60.5 माइनस 60। तो ये देखिए, मैंने अभी कहा था कि इसमें हम ये जो अब मेरे पास वैल्यू आ रही है, ये मेरे पास एब्सोल्यूट एरर है। और इसमें मैंने क्या कहा है ये अगर मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया तो इसे हम क्या कहते हैं, इस एरर को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ये जो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आया, इसमें मैंने कहा है कि ये इन्वॉल्व करता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स को, यानी कि स्टूडेंट का वेट को अपने केजी के अंदर आपने क्या किया था, मेजर किया था। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, केजी इन्वॉल्व है। अब अगर मैं एक एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करा दूं किसके ऊपर, द ट्रू वैल्यू के ऊपर, ठीक है, ट्रू वैल्यू द वेरिएबल के ऊपर, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो इसका फार्मूला हमारे पास इस तरह है, देखिए मैंने लिख दिया, अगर हमारे पास ये देखिए हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है, उसे मैं डिवाइड करा रहा हूँ किसके ऊपर, ट्रू वैल्यू के ऊपर। अगर मैं इसी के साथ एग्जाम्पल के साथ ही आपको बताता, तो मैं 0.5 को अगर डिवाइड करवा देता उसकी क्या, जो मेरे पास ट्रू वैल्यू पड़ी होती, तो ट्रू वैल्यू मेरे पास कौन सी पड़ी हुई है, 0.5। तो ये मेरे पास क्या बन के आता, ये मेरे पास रिलेटिव एरर होना था। और अगर इसी रिलेटिव एरर को मैं मल्टीप्लाई करवा देता 100 के साथ, तो मेरे पास ये क्या बन जाना था, ये मेरे पास परसेंटेज एरर बन जाना था। अब ये जो एरर हमारे पास आएंगे, परसेंटेज एरर, आपको पता है जो परसेंटेज होती है उसमें हमारे पास यूनिट तो होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दीज एरर, ये जो हमारे पास एरर आ रहे हैं, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक्स, यानी कि जब आपने ये एरर निकाला ना, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मेजरमेंट यूनिट ऑफ एक्स है, इसमें केजी नहीं होगा। तो हमारे पास ये भी चीज़ आपके पास जहन में रखने वाली है कि हमारे पास जो एरर होता है, जो हमारे पास एरर है, वो हमारे पास क्या है, उसके पास बहुत चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है उसमें और उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा मैग्नीट्यूड यानी कि क्वांटिटी। तो आप देखें, अब 0.5 kg हमने निकाला था, तो ये इसकी क्वांटिटी है, हमें पता चल रहा है कि एरर की क्वांटिटी है, इतना एरर है। अब हमारे पास वो डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव में होगा, तो हमें पता चल रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव है यानी कि पॉजिटिव में है, तो अपवर्ड उसका एरर है, नेगेटिव में है तो डाउनवर्ड है, यानी कि अब ये 0.5 है ना, तो उससे हमें पता चल रहा है कि 60 हमने ऑब्जर्व किया, लेकिन वो 0.5 ऊपर उसके अभी एरर है, 0.5 और करना चाहिए था उसे। अगर यानी कि हमारे पास ये माइनस में होता, तो हमें पता होता कि हमारे पास जो 60 है, ये हमारे पास क्या है कि ये ज़्यादा आगे हो गया और हमने इसे 0.5 माइनस करना था। तो इस तरह हमारे पास इसकी यानी कि डायरेक्शन भी होती है, और उसके अलावा हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है। अब जो वर्ड एरर है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि इट मीन्स मिस्टेक, यानी कि आप देखें, अब आपने क्या किया, आपने तो जो हमारे पास डिजिटल यूनिट्स, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं डिजिटल, उसके मुताबिक आपने तो वेट कर दिया, तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप इसमें एरर है, लेकिन इसमें आपका कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट मीन मिस्टेक, विच इज़ अ चांस इन एक्यूरेसी। अब हमारे पास एरर्स जो होते हैं, वो हमारे पास बायस्ड भी होते हैं और अनबायस्ड भी होते हैं। अब हमारे पास हम देखेंगे कि पहले बायस्ड कब होते हैं, एन एरर इज सेड टू बी बायस्ड व्हेन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कंसिस्टेंटली यानी कि मैं अभी अभी बताता हूँ, हायर और लोअर देन द ट्रू वैल्यू। अगर हमारे पास एक वैल्यू जो है, हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू, देखिए अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है या किसी के जरिए हमने क्या ऑब्जर्व वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंटली या कॉन्स्टेंटली हमारे पास ग्रेटर आ रही है, हायर आ रही है, यानी कि अगर हम उसके 60 ओरिजिनल हमारे पास क्या ट्रू वैल्यू 60 आनी चाहिए, तो वो 65, 63, 62, ठीक है, या 65 भी हर दफ़ा, यानी कि 0.5 हर दफ़ा ज़्यादा निकाल के दे रहा है आपको, 0.3 ज़्यादा निकाल के दे रहा है। तो वो हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास एक बायस, या हमारे पास ऐसे लोअर के लिहाज से आप कह सकते हैं। अब ये नहीं आपने कहना कि एक दफ़ा आपने क्या किया, उसने 0.5 ज़्यादा निकाली, एक दफ़ा 0.5 उसने कम निकाली, नहीं, अगर कम निकाल रहा है तो हर दफ़ा कम निकाले, अगर ज़्यादा निकाल रहा है तो हर दफ़ा ज़्यादा निकाले, तो वो हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास क्या है, वो बायस्ड है। तो बायस एरर हमारे पास राइज किन वजहों की वजह से होते हैं, वो हमारे पास होता है कि पर्सनल लिमिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इम्परफेक्शन इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एंड अदर कंडीशन विद द विच कंट्रोल द मेजरमेंट्स। अब देखिए हमारे पास ये देखें, अभी मैंने आपको जैसे बता दिया कि हमारे पास जो इम्परफेक्शन ऑफ द हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट, इनकी वजह से तो काफ़ी ज़्यादा होगी ना, फिर उसके बाद में लिमिटेशन ऑफ पर्सनल लिमिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑफ ऑब्जर्वर की एक पर्सनल लिमिटेशन है, उसे नहीं पता कि यहाँ पर क्या करना है या क्या नहीं करना, या उन्हें यानी कि देखिए राउंडिंग का ही आ जाए काम, अगर उसे कहा जाए कि आपने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए या 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए उसे क्या करना है, हर वैल्यू को राउंड करना है, उसे राउंडिंग के बारे में नहीं पता, तो वो क्या कर रहा होगा, वो वहाँ पर गड़बड़ कर रहा होगा। तो इस तरह या पर्सनल लिमिटेशन उसकी हो सकती है, या उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसकी इनपरफेक्शन की वजह से हो सकता है, इन चीज़ों की वजह से हमारे पास क्या है, बायस एरर अराइज होता है। अब हमारे पास
इन्हें हम क्या कहते हैं, बाईस एरर हमारे पास होता है, ये हमारे पास कम्युलेटिव इन नेचर होता है। अब कम्युलेटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि ये कम नहीं हो रहा होता है, ये हमारे पास जैसे ही यहाँ पे सैंपल यानी कि सैंपल साइज इंक्रीज करना, इसका मतलब क्या, आप जितनी ज्यादा नंबर ग्रेटर द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आपके पास, जितनी ज्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आप कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास द ग्रेटर वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। यानी कि आप देखें अगर आपने एक मेजरमेंट किया तो उसमें आपके पास क्या है कि 0.5 चले कहते हैं हम एरर आता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो 0.5 फिर आपके पास क्या होगा, इजाफा हो गया, ठीक है। ऐसे आप करते जाएंगे तो आपके पास 0.5 0.5 ऐसे जितनी आप कह रहे हैं इसकी मेजरमेंट्स, तो उतनी आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएंगी उतना ही आपका एरर का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यही हमारे पास क्या, ये हमारे पास कम्युलेटिव इन नेचर होती है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास फिर ये फिर जाहरी बात है फिर ट्रबल सम है। आप देखें आप 1000 बंदों की क्या करेंगे, आप मेजरमेंट करेंगे तो आपके पास काफी ज्यादा एरर आ गया, मैग्नीट्यूड ज्यादा बन गई है, तो ये ट्रबल सम भी होता है हमारे पास। तो इस किस्म के जो हमारे पास एरर होते हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इस किस्म के हम एरर को कम्युलेटिव एरर भी कह सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो 22 एरर होते हैं उन्हें हम कम्युलेटिव एरर भी कह सकते हैं, या हम उन्हें सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि 22 एरर, कम्युलेटिव एरर एंड सिस्टमेटिक एरर, ये हमारे पास तीनों एक ही चीज है। तो हमारे पास जो एरर होते हैं वो अनबायस कब होते हैं, एन एरर इज सेड टू बी अनबायस, एक एरर हमारे पास अनबायस होता है व्हेन द डेविएशन द व्हेन द डेविएशन ऑफ डेविएशन किस तरह की होती है, हमारे पास द एक्सेसेस एंड द डिफेक्ट्स फ्रॉम द ट्रू वैल्यू टेंड टू अकर इक्वली ऑफ्टन। अब इसका मतलब काफी आसान है, अगर देखें हमारे पास जो हमारे पास एक्सेसेस होते हैं यानी कि हमारे पास जो चीज पड़ी है उससे ज्यादा हमारे पास चीज पड़ी है, तो डिफेक्ट्स हमारे पास कम यानी कि चीजें हैं। तो अगर आप इस चीज को फिलहाल, ये मैंने आपको वैसे बता दिया, अगर आप इसको स्किप करें और यहाँ पर ही देखें कि व्हेन द डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू टेंड टू अकर इक्वली ऑफ्टन, यानी कि हमारे पास देखें आप, हमारे पास जो डेविएशन आ रही है यानी कि ट्रू वैल्यू से उसका जो फर्क आ रहा है, कभी यानी कि 0.5 उसका ज्यादा आ रहा है, कभी उसका 0.5 कम आ रहा है, तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, जब इन द लॉन्ग रन आप आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज को प्लस करना है, तो वो क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो अगर इसके आप एक एग्जांपल देना चाहें रियल लाइफ, तो ऐसे ही होता है। अगर आप देखें क्रॉप्स है, आपके पास कोई थोड़ा सी फील्ड एरिया है, आपके पास जगह है, प्लॉट है, उसके आप ऊपर सारा कुछ करते हैं, पानी लगाते हैं, आपने वो जो यानी कि बीज है वो बो दिया। आप देखें इसमें अब थोड़ा सा यही नहीं कि जितनी आपने क्या किया फर्टिलाइजर वगैरह डाला उतना ही आपको क्या मिलेगा, आपको उतनी ही पैदावार मिलेगी, तो कभी कम मिलेगी कभी ज्यादा मिलेगी, उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा यानी कि आप ये देखें, आप ये हमारे पास क्या अनसिस्टमेटिक एरर है, एक रैंडम एरर है, सिस्टमैटिक नहीं है जो जो हमारे पास पहले था। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रैंडम एरर है, एक्सीडेंटल एरर है, तो अनबायस्ड एरर है। तो इसमें क्या होगा, जब ये देखें आप, आपने किसी ने 50 साल के लिए एक ही जगह के ऊपर खेती की होगी, तो क्या वो जब उसे एरर्स को वो क्या करेगा, उसने जब उसने प्लस करना है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है ना इंसान जिस्म का, तो वो अगर कहें ना कि बच्चा होता है जब, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या ठीक होता होगा, बड़ा होता है तो ऐसे ही थोड़ा सा कम ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, फिर ऐसे जब बड़ा होगा बिल्कुल बूढ़ा हो गया, तो उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा और होगा, जब उसकी पूरी लाइफ लाइफ टाइम का करेंगे आप, तो वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह के हमारे पास चीजें होती है इसमें। तो ये हमारे पास जो एरर होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रैंडम एरर भी, और इसे हम कहते हैं एक्सीडेंटल एरर भी। तो ये हमारे पास जो एरर होता है अनबायस्ड एरर, ये हमारे पास क्या है, कंपनसेटिंग होता है, यानी कि देखिए हमारे पास जो बैड थिंग्स है तो जो गुड थिंग्स है उनको क्या करता है, बैलेंस आउट कर देता है। तो इस ये कंपनसेटिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास बैलेंस कर देता है इस चीज को, जैसे कि हमने कहा है कि इन द लॉन्ग रन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो ये हमारे पास कंपनसेटिंग भी होता है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये हमारे पास अब एक मेजरमेंट जब हम लें, अगर एक मेजरमेंट हमने लिया तो वो फ्री फ्रॉम ऑल द केसेस ऑफ एरर, यानी कि वो अनबायस बायस जो भी हमारे पास है, एब्सोल्यूट एरर इन सब से वो क्या हो, फ्री हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंसीडर उसे हम करेंगे फिर एक्यूरेट मेजरमेंट, तो वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। तो यही हमारे पास रीजन होता है कि जब हमारे पास क्या हो रहा होता है हमें, तो यही हमारे पास रीजन है कि हमारे पास इफेक्ट्स हो रहे होते हैं टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एरर टू मिनिमम। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एरर की अमाउंट आ रही होती है वो पॉजिटिव में हो, वो नेगेटिव में हो, वो जो भी हो, हमारे पास उसे रिड्यूस करने का इफेक्ट हो रहा होता है। वो इसलिए हमारे पास हो रहा होता है कि जब हमारे पास जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी होती है जिसके ऊपर हम हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, मेजरमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो इंक्रीज हो जाए। यानी कि आप हमारे पास
मयरमेंट, यानी कि जितने वो एरर रिड्यूस जितना हम हो सके वो करने की कोशिश करते हैं, और ताकि हमारे पास जो एक्यूरेसी है हमारे हमारे पास वो उतनी ज़्यादा आए। तो इस मकसद के लिए जो हमने ये, यानी कि एक्यूरेसी हमारे पास इंक्रीज हो जाए, तो हमारे पास क्या है, हमें नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास क्या होते हैं, और राउंडिंग ऑफ द नंबर्स हमारे पास, प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर, और उसके बाद हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं ये हमारे पास, इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि हमारे पास हम जब मेजरमेंट लें तो मेजरमेंट रिकॉर्ड करें तो हम उसे क्या करें, हम उसमें से एरर को मिनिमम तक रख सकें, यानी कि रिड्यूस कर सकें, और उसके बाद में हमारे इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।